नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। ना ये मुद्दा है कि अच्छे सरकारी स्कूलों का है, ना ये मुद्दा अस्पतालों का है, ना ये मुद्दा मोहल्ला क्लिनिक का है। सीधा सीधा गंभीर आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब नीति में घोटाला किया है, नियमों की धज्जियां उड़ाई है और शराब माफिया के 144 करोड़ माफ कर दिए गए हैं और यह लाभ पहुंचाने के बदले मोटी रिश्वत ली गई है। इसी आरोप की जांच के लिए आज सीबीआई की एक टीम केजरीवाल सरकार में नंबर दो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर जा पहुंची। एक डिप्टी सीएम, कई अफसर, 7 राज्य और 21 ठिकानों पर रेड के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया, बवाल खड़ा हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में छपा एक आर्टिकल लेकर आ गए और कहा कि ये देखिए, दुनिया में दिल्ली सरकार के स्कूलों का डंका बज रहा है, तारीफ हो रही है, इसी से चिढ़कर सीबीआई की रेड करवाई गई है। तो बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया और कहा कि ये आर्टिकल खालिस्तान समर्थक ने लिखा है और इसे पैसे देकर लिखवाया गया है, छपवाया गया है एडवर्टाइजमेंट के तहत। लेकिन सवाल है कि शराब नीति में अगर घोटाले का आरोप लगा है तो इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? जरा सोचिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है, आपकी गाड़ी के पेपर ना होने के चलते आपको पकड़ लेता है और आप कहें हमने तो हेलमेट डाला हुआ है, पहना हुआ है, तो क्या इससे बात बन जाएगी? सीधा सा सवाल है कि क्या स्कूलों के नाम को लेकर विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आखिर जांच पर इतनी हाय तौबा क्यों मच गई है? क्यों पहले ही सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है कि हम तो कट्टर ईमानदार है जी? सत्येन जैन के मामले में भी यही कहा गया था, जिन्हें आज तक अभी तक बेल नहीं मिली है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 3 धुरंधर नेताओं वक्ताओं के बीच में कट्टर ईमानदार बनाम भयंकर भ्रष्टाचार, आज देश की सबसे बड़ी बहस में सबसे बड़ा पैनल। हमारे साथ क्रिकेटर और बीजेपी के एमपी गौतम गंभीर भी जुड़ेंगे, लेकिन आज की चर्चा बेहद जोरदार होगी। इस पूरी पिक्चर का जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो है अरविंद केजरीवाल। मेन जो विलेन है वो है मनीष सिसोदिया। और गुंडे मवाली लोग हैं वो है वो शराब माफिया। एक डिप्टी सीएम, कई अफसर, 7 राज्य, 21 ठिकानों पर रे। नई शराब नीति पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई का शिकंजा कस चुका है, इसलिए पहले आरोपों की लिस्ट देख लीजिए। मनीष सिसोदिया पर पहला आरोप है कि शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए। दूसरा आरोप है कि शराब नीति में नियम तोड़कर बदलाव किया गया। वहीं तीसरा आरोप है कि उन्होंने लाइसेंस फीस के 30 करोड़ रुपए माफ किए। इसके बाद चौथा आरोप है कि लाभ पहुंचाने के बदले उन्होंने रिश्वत ली। लेकिन बचाव में शिक्षा नीति को ढाल बनाकर पेश किया जा रहा है, जिसका शराब वाली नीति से कोई लेना देना ही नहीं। पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। जनता को मूर्ख ना समझे, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है, पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। ये जो क्रिमिनल माइंड होता है ना, उसको बातें करना बहुत अच्छा आता है। अरे भाई, शिक्षा स्वास्थ्य पे नहीं, शराब नीति पे आज कार्रवाई हो रही है। मुद्दे की बात यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप वाली नई शराब नीति 16 नवंबर 2021 को लागू की गई और 30 जुलाई 2022 को सिसोदिया ने इसे वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इसे वापस क्यों लिया गया? इसी पर होगी
देश की सबसे बड़ी बहस। इसकी एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास आ गई है, लेकिन पहले मैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण कर लेता हूं। जिस शराब नीति को लेकर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, उस शराब नीति की एबीसीडी का विश्लेषण मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं कब क्या क्या हुआ। 16 नवंबर 2021 ये वो डेट है जब दिल्ली में नई शराब नीति लागू होती है। ये वो डेट है 16 नवंबर 2021। 8 जुलाई 2022 डेट्स को नोट करिए एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं मैं। 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी को रिपोर्ट दी, लाइसेंस फीस माफ करने से 144 करोड़ के नुकसान होने की बात की गई। ये दिल्ली के मुख्य सचिव ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो रिपोर्ट दी उसमें हुआ। अब मैं आता हूं 22 जुलाई पर 22 जुलाई 2022 में क्या होता है। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की 30 जुलाई, ठीक 8 दिन बाद। ऐसा क्या हुआ था कि शराब नीति को वापस लेने का ऐलान हो गया। अगर 16 नवंबर पुरानी डेट पर जाइए 16 नवंबर 2021 को सही कार्रवाई हुई थी तो वो वापस क्यों नहीं ली थी। आकर क्या 144 करोड़ माफ करे गए, ये गंभीर सवाल खड़ा होता है। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करी, सिसोदिया और अधिकारियों का इसमें नाम शामिल है। 17 अगस्त एफआईआर की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। और 19 अगस्त यानी आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पे जब कहा जाता है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, वहां सीबीआई पहुंच जाती है उसी दिन मनीष सिसोदिया के यहां। सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापा मारा, देश भर के 7 राज्यों में ये छापे मारे गए, 21 ठिकानों में छापे मारे गए, कई अफसरों के यहां पे छापे मारे गए। यानी जो 16 नवंबर को पॉलिसी बनी उसमें गड़बड़ थी, उसमें फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और 144 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं जिसकी एवज में मोटी रिश्वत ली गई है, ऐसा आरोप है। यह बहुत बड़ा मामला है। मेरे साथ बात करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आज बड़ा पैनल है इस पर चर्चा करने के लिए। इस राघव चड्ढा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। परवेश वर्मा 2 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जॉइंस मी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया चेयरपर्सन है, कांग्रेस पार्टी की लीडर है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ गौतम गंभीर भी जुड़ेंगे इस चर्चा के अंदर, तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। राघव चड्ढा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। केजरीवाल जी बोल रहे थे राइट ऑफ कर रही है मोदी सरकार, लोन्स को माफ कर रही है, लेकिन आपने तो 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए शराब कारोबारियों को। बीजेपी कह रही है घोटाला हुआ है, फायदा पहुंचाया गया है सिसोदिया पर, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। अमीश भाई, 144 करोड़ पे मैं सीधा जवाब दूंगा, उससे पहले बस मुझे 5-10 सेकंड दे दीजिए जी प्लीज। देखिए, आज ये इत्तेफाक नहीं है अमीश भाई कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे सबसे प्रसिद्ध अखबार में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है, शिक्षा क्रांति की बात होती है और अगले ही दिन मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की रेड होती है। ये भी इत्तेफाक नहीं है कि आज से 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक राष्ट्रीय मिशन, एक राष्ट्रीय मुहिम, भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने की मुहिम शुरू करी और 3 दिन बाद सीबीआई की रेड हो जाती है। यह भी इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी का जनसमर्थन और बढ़ती लोकप्रियता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक फैल रही है। 135 करोड़ भारतीयों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी जगह बना रहे हैं और सीबीआई की रेड हो जाती है। सीबीआई, ईडी, ये सारी संस्थाएं अमीश भाई आज के समय भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियां हैं। इन्होंने पहले भी हम पर कई बार सीबीआई छोड़ी है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई की रेड आज से 4 साल पहले भी हुई थी, क्या मिला? अरविंद केजरीवाल जी पर 5 साल पहले सीबीआई की रेड हुई थी, क्या मिला? राजेंद्र कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव, उन पर रेड हुई थी, गिरफ्तारी भी हुई, आज क्या मिला? 40 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुकदमे दर्ज कर गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यह अरविंद केजरीवाल जी का खौफ है, बढ़ती लोकप्रियता से डरी हुई है भाजपा। पहले आप और मैं पूछा करते थे अमीश भाई कि मोदी बनाम कौन, आज उसका जवाब जनता को मिल गया, लोगों को मिल गया। आज लोग कहने लग गए हैं कि भारत की राजनीति अब है मोदी बनाम केजरीवाल। ये केजरीवाल साहब की बढ़ती लोकप्रियता है जिससे भाजपा डरी हुई है। अब मैं आता हूं 144 करोड़ पे। अब ये कह रहे हैं, मैं कई बार इनसे पूछा, मैंने इनिशियल कमेंट्स में बोला, आपने बोला ये
अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है। आपने एग्जाम्पल दिया जो शिक्षा नीति को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपा जिस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो पेड प्रॉपर्टी है, लेकिन बहरहाल आज शिक्षा नीति की बात नहीं है, इसलिए शराब नीति की बात है जिसके ऊपर घोटाले का आरोप है। शिक्षा नीति पर कोई जांच नहीं बैठी है, जांच बैठी है शराब की नीति के ऊपर। मैं प्रवेश वर्मा का रुख करता हूं। प्रवेश वर्मा, आपने कमेंट करा आज, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब ले लीजिए जी। मैं राघव भाई आपसे लूंगा जवाब, लेकिन आपको प्रवेश वर्मा से सवाल, प्रवेश वर्मा से सवाल एक लेना है। थोड़ा सा बोलने दीजिए जी जी, 10 सेकंड आप ले लीजिए अगर चाहूंगा मैं। जी न्यूयॉर्क टाइम्स ने 10 सेकंड ले रहा हूं। सुबह से ये लोग न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी आपके शो पर आने से करीब आधा घंटा पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद एक सूचना जारी कर कहा है कि हमारी रिपोर्ट जमीनी स्तर पे रिसर्च पे आधारित है। शानदार काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, की तो बात ही नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूँ शराब नीति पे कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मैं आता हूँ आप पर, प्रवेश वर्मा ओके, मैं आता हूँ आप पर। मेरे साथ देखिए, तो गुजरात में नकली शराब बिकती है, गुजरात में कार्रवाई करिए सर। गुजरात में क्यों कार्रवाई करते हैं? लेट प्रवेश वर्मा आल्सो रिस्पोंड ना। व्यापार चलता है राघव चड्डा गुजरात में तो ओके। राघव चड्डा, आप तो अब सांसद हैं, तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सांसद बनने के बाद पहली बार मेरी चर्चा में आए हैं, आपको बधाई भी, आप सांसद बन गए हैं। लेकिन मैं प्रवेश वर्मा जी के पास भी जाता हूं। प्रवेश वर्मा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक हाई पावर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर आपने बोला इस पिक्चर के निर्माता निर्देशक अरविंद केजरीवाल है, मेन विलन मनीष सिसोदिया है, गुंडे मवाली लोग शराब माफिया है। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हम बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी के साथ टक्कर में है। इनका एक निगम पार्षद दिल्ली में ताहिर हुसैन, वो दिल्ली में जो अपना दंगे हुए थे उसमें वो शामिल था, ये बात अपना सबके सामने आई। एक इनका मंत्री जो अपना फर्जी राशन कार्ड बनाने में उसको अपना इन्होंने हटाया, ये बात सबके सामने आई। एक इनका मंत्री यहाँ पे पंजाब सरकार में इनको हटाना पड़ा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो बात सबके सामने आई। इन्होंने कई लोगों को अपनी पार्टी से निकाला, हम सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज से 6-7 महीना पहले ये बता दिया था कि सतेंद्र जैन के ऊपर में ऐसे ऐसे कार्रवाई होने वाली है और वो जेल जाने वाला है। उसके बाद में 3 महीना पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर में भी कोई कार्रवाई होने वाली है और वो भी जेल जाने वाला है। अब सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को पता लगता है, तो जो चोर होता है उसको ये पता है कि उसने चोरी करी है, उसको ये पता होता है कि अगर मैंने चोरी करी है तो एक ना एक दिन तो मैं पकड़ा जाऊँगा। जैसे ही सीबीआई जांच शुरू होती है उसी समय ये तुरंत अपनी एक्साइज पॉलिसी को ख़त्म कर देते हैं, दोबारा से 12% का जो कमीशन था L1 का उसको 2% कर देते हैं। इनके जो कई लोग आज जो FIR में नाम आया है वो कई लोग अपना देश छोड़कर भाग जाते हैं। इनके जो मुख्य अभियुक्त है, एक उसमें नाम है दिनेश अरोड़ा, उसका मनीष सिसोदिया के साथ में पिक्चर है, उसका अरविंद केजरीवाल के साथ में पिक्चर है। जैसे ही सीबीआई जांच शुरू करती है ये पिक्चर सारे सोशल मीडिया में डिलीट हो जाते हैं और ये व्यक्ति देश छोड़कर भाग जाता है। एक इसमें मास्टरमाइंड है विजय नैयर, वो अपना देश छोड़कर भाग जाता है। तो सारे लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं वो सारे देश छोड़कर जा रहे हैं, वो सारे सोशल मीडिया में पिक्चर को डिलीट कर रहे हैं। और मेरे भाई अपना राघव जी कहते हैं हम इनकी लोकप्रियता से डर गए हैं। चलिए मान लिया हम आपकी लोकप्रियता से डर गए, तो क्या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता आपको चोरी करने का लाइसेंस देती है, आपको डाका डालने का लाइसेंस देती है? ठीक है, जवाब जवाब। अगर आपने डाका डाला है, अगर आपने चोरी करी है, तो आप उससे नहीं बच सकते हैं। ये आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने कहां कहां पे भ्रष्टाचार किया है, ठीक है, क्या क्या डाका डाला है, कितना। ठीक है, राघव चड्डा अपनी बात को रख ले, फिर सुप्रिया श्रीनेत। राघव चड्डा, रिस्पॉन्ड टू प्रवेश वर्मा, और आप बार बार कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ी हुई है, लेकिन राघव क्यों दो बार बोलेगा भाई, उसके बाद में मैं बोलूंगा। जी जी जी, एक एक मैं आपको पास, मैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ ये कितना कितनी हीटेड मूवमेंट है बीजेपी और आम। पहले आपने राघव को बुलवाया, अभी मेरे को बुलाया, फिर से राघव को बुला रहे हैं, तो फिर से मैं ही बोलूंगा ना। ठीक 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 है प्रवेश जी, ओके राघव अपनी 30 सेकंड में बात रख ले। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत भी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, नेता है, उनके पास उनको भी मुझे लेना है। ओके राघव चड्डा, 30 सेकंड शार्प 30 सेकंड। अमीश भाई देखिए, मुद्दा शराब नीति का मैं आपके चैनल पर सिद्ध करना चाहता हूं कि मुद्दा शराब नीति का है ही नहीं। गुजरात में सालाना 10,000 करोड़ का अवैध शराब का व्यापार होता है,
कभी सीबीआई गुजरात नहीं जाती, जहरीली शराब पी के 200 से ज्यादा लोग पिछले महीने गुजरात में मर गए, कभी सीबीआई वहां नहीं जाती है। बुंदेलखंड के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 5 दिन बाद वो एक्सप्रेसवे की सड़क ढस गई, कॉन्ट्रैक्टर के साथ घोटाला चल रहा था सरकार का, लेकिन कभी सीबीआई वहां नहीं जाती है। इसका मतलब ये है कि मुद्दा ना शराब की नीति, ना शराब की नीति, ना भ्रष्टाचार का है, मुद्दा है केजरीवाल की, केजरीवाल को रोको। अब मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने कुछ नाम लिए भाई, आपने बोला मुद्दा है केजरीवाल को रोको। एक सेकंड, मुझे